आज के इस वीडियो में आप लोगों के क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज से रिलेटेड काफी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त करंटली हमारे बैच 11 का वीक 10 चल रहा है और वीक 12 के अंदर आपके पास सारे के सारे एक्सरसाइज एंड क्वेश्चंस दोबारा से रीओपन हो जाते हैं। तो अगर आपने कोई एक्सरसाइज या क्वेश्चन मिस किया होता है तो आप उसको दोबारा से अटेम्प्ट आउट कर सकते हैं। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि मैं अपने चैनल के ऊपर सारी एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चंस के सोल्यूशन प्रोवाइड आउट करती हूँ, बट आज की वीडियो खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है यहाँ पर जिनके या तो एक्सरसाइज में मार्क्स कम आए हैं या फिर उन्होंने सिरे से अपनी एक्सरसाइज को सबमिट नहीं कराया है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि जिन लोगों के क्वेज में कम मार्क्स आए हैं और जिन्होंने क्वेजेस मिस किए हैं उनसे रिलेटेड भी मैं इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट इसी वीडियो के अंदर आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज के बारे में। वीक 12 के अंदर आपकी ऑल फोर एक्सरसाइज ओपन अप हो जाएंगी। जैसे कि आप जानते हो कि इस वक्त करंटली ग्राफिक डिजाइनिंग की चारों एक्सरसाइज आपके पास आ गई हैं और इनके सॉल्यूशंस मैंने आपको प्रोवाइड आउट कर दिए हैं। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर जिनके पास फोटोशॉप अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से वो अपनी एक्सरसाइज को कम्प्लीट नहीं कर सके हैं। तो उन बच्चों के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी वेबसाइट articlebase.pk का लिंक मौजूद है, जहां पर आने के बाद आपको ये एक्सरसाइज MS Word के फॉर्मेट के अंदर मिल जाएंगी। तो आप इन एक्सरसाइज को यहां से डाउनलोड कर सबमिट करवा सकते हो। सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग ही नहीं, रिच स्किल में आपका ग्राफिक डिजाइनिंग के अलावा जो भी कोर्स अवेलेबल है उससे रिलेटेड भी एक्सरसाइज के सोल्यूशन आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे। तो आप मेक श्योर करो कि उन्हें चेक करना बिल्कुल भी मत भूलो। मैंने सारी एक्सरसाइज वाइज एक्सरसाइज लिखकर उनकी फाइल्स जो हैं इसके सामने अपलोड आउट कर दी है, तो मेक श्योर करें कि आप इसे चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इसी तरीके से फ्रीलांसिंग वाले बच्चों को जो भी प्रॉब्लम है उन सब से रिलेटेड भी यहाँ पर वीडियोस मौजूद हैं और साथ ही साथ उनकी भी सारी की सारी एक्सरसाइज फाइल जो कि MS Word फॉर्मेट के अंदर होती है वो मैंने यहाँ पर अवेल कर दी है। बाकी कोर्सेज के बारे में बताने से पहले बता दूं, जब आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का मीडिया फाइल का एक इंटरफेस ओपन अप होगा। आप यहां से डाउनलोड पे क्लिक कर अपनी फाइल को MS Word फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड कर उसे सबमिट करवा सकते हो। मैंने सारे के सारे जितने भी आपके कोर्सेज हैं यहाँ पर उससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड कर दी है। मैंने अपने चैनल के ऊपर क्विक बुक से रिलेटेड एक भी वीडियो प्रोवाइड आउट नहीं की थी क्योंकि उसका सर्टिफिकेट लेने के लिए मेरे पास इसका सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं था। बट मैंने क्विक बुक वाले स्टूडेंट्स की आसानी के लिए भी यहाँ पर ऑल थ्री एक्सरसाइज का सोल्यूशन MS Word फॉर्मेट के अंदर आपको सबमिट आउट करा दिया है। तो अगर आपका ये कोर्स है तो आप इसकी एक्सरसाइज डाउनलोड कर सबमिट करवा सकते हो। मीनवाइल मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि सारी एक्सरसाइजेस इसी तरीके से यहाँ पर अपलोड आउट हैं, बट देयर इज अ प्रॉब्लम इन दैट। प्रॉब्लम ये है कि जब सब बच्चे इन एक्सरसाइज को डाउनलोड करेंगे तो मेक श्योर करना है आपने कि आप इसको रीनेम जरूर करें और रीनेम करने के अलावा आपने जो है इसको एडिट आउट कर टॉप पर इस एक्सरसाइज के अपना नाम लास्ट में मेंशन करना है ताकि आपकी एक्सरसाइज किसी और की एक्सरसाइज से मिलती जुलती ना हो और ना ही ये आपके कॉपी के कॉन्टेंट के अंदर आए। तो हर एक जो आपके पास कोर्स है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप मेक श्योर करिएगा कि उसे चेक करना आप बिल्कुल भी मत भूलिए। अब मैं कुछ बात कर लेती हूँ क्विज़ से रिलेटेड। तो क्विज़ से रिलेटेड मैं बता दूं आपको यहाँ पर कि आपकी जो ऑल फोर एक्सरसाइज होती है बैच वीक 12 के अंदर वो आप दोबारा से सबमिट करवा सकते हो। अगर आपके मार्क्स कम आए हैं, आपकी एक्सरसाइज कॉपी के लिए आई है या फिर आप चाहते हो कि आपकी एक्सरसाइज के मार्क्स बढ़ जाए तो आप उसके लिए एक्सरसाइज को री सबमिट वीक 12 के अंदर करा सकते हो। बट क्विज के लिए यहाँ पर आपकी क्या प्रॉब्लम है? क्विज के लिए प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने e-commerce का quiz number 3 perform किया है और फर्ज कीजिए कि मेरे marks यहाँ पर 2 या 3 आए हैं, एक फर्ज कर लेते हैं 2 या 3 आए हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं इसको increase out करूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने जो quiz attempt कर लिया है उस attempt हुए quiz के marks आप increase out नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका कोई quiz missed हो गया है, आपने उसको attempt ही नहीं किया है, तो आप week 12 के अंदर उस quiz को attempt कर सकते हो। ये बात मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि DigiSkill का सर्टिफिकेट लेने ये आपके पास 60% प्रोग्रेस का होना जरूरी है, जिसके अंदर आपकी
चारों एक्सरसाइज और चारों क्वेश्चंस को सबमिट करना लाजमी है। तो इसलिए अगर आपने अब तक एक भी एक्सरसाइज एक भी क्वेश्चन नहीं किया है तो मेक श्योर कीजिए कि जल्दी से मेरे चैनल से हर एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन का सोल्यूशन देखकर उसे अपने लिए कंपाइल करना मत भूलिए। जो लोग एक्सरसाइज डाउनलोड नहीं करना चाहते, खुद से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म आउट करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमेशा की तरह मेरे चैनल के ऊपर ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि उन्हें आप लाजमी फॉलो कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम पेश आती है तो आपको पता कि आपने हमेशा की तरह मेरे फेसबुक ग्रुप के ऊपर मुझसे कांटेक्ट करना है। मैं यहाँ पर आपका आपकी पूरी हेल्प करूंगी डिजिटल से रिलेटेड ऑल एक्सरसाइज एंड क्वेश्चंस के सॉल्यूशन से रिलेटेड। साथ ही साथ मैं आपको ये बात भी यहाँ पे बता दूं कि इस बैच की तरह बैच नंबर 12 के अंदर भी मैं सारे एक्सरसाइज एंड क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करूंगी। तो अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से डिजिटल से रिलेटेड सारे एक्सरसाइज एंड क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। जो बच्चे बैच नंबर 12 के अंदर रजिस्टर करना चाहते हैं और करंटली मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इस वक्त ओपन अप है। तो आप काइंडली रजिस्ट्रेशन वीडियो मेरे YouTube चैनल से जरूर देखिए। डिजिटल रजिस्ट्रेशन बाय पहकालम डी लिखकर आप उसको सर्च आउट कर सकते हैं और अपने लिए आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा कर रखिए। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ इनरोलमेंट का प्रोसेस भी इम्पोर्टेंट है। तो इनरोलमेंट की डेट फॉर बैच नंबर 12 है हमारे पास 3rd January 2022। तो आपने उससे पहले पहले अपने आप को रजिस्टर करा लेना है अगर आप पहली बार डिजिटल के अंदर कोई कोर्स करना चाह रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप आसानी से एक्सरसाइज एंड क्विज़ेस के सॉल्यूशंस को कंपाइल आउट करेंगे और इस बैच को लाजमी कंप्लीट करेंगे। आप लोगों के लिए बैच कितना हेल्पफुल रहा है, कितना ज्यादा आपको फायदा हुआ है इस बैच से रिलेटेड, वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर दो तीन चीजें और बताना चाहती हूँ। वो ये कि जिन बच्चों ने डिजिस्किल के अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड वर्डप्रेस का कोर्स किया है, तो आपने ये चीज नोट डाउन की होगी कि वो आपको ज्यादातर थ्योरी पढ़ाते हैं एज कम्पेयर टू द प्रैक्टिकल। तो मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड वर्डप्रेस का कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट बनाकर रखा है। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देती हूँ दोनों चीजों का कंप्लीट यहाँ पर मैंने प्रैक्टिकली प्लेलिस्ट बना के रखी है इसी चीज को देखते हुए कि बच्चों को डिजिटल के अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और वर्डप्रेस का प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता। तो वर्डप्रेस क्लास के नाम से वर्डप्रेस की यहाँ पर प्लेलिस्ट मौजूद है एंड एससीओ एंड वर्डप्रेस के नाम वर्डप्रेस सीरीज के नाम से एससीओ की यहाँ पर कंप्लीट सीरीज मौजूद है। तो आप इन दोनों को लाजमी चेक कीजिए और लाजमी अपनी प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट आउट कीजिए। अगर आप लोगों को वर्चुअल असिस्टेंट करने का कोर्स है या फिर आप अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो दोनों से रिलेटेड मेरे चैनल के ऊपर कंप्लीट प्लेलिस्ट मौजूद है। मेक श्योर कीजिए कि इसको चेक करना बिल्कुल मत भूलिए। इसके अलावा अगर आप डिजिटल के अलावा कोई अच्छे अच्छे फ्री सर्टिफिकेशन कोर्सेस करना चाहते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट IBM कोर्सेरा जैसी वेबसाइट से रिलेटेड हो, तो मैं आपको ये बता दूं कि उनसे रिलेटेड भी मैं काफी अच्छे अच्छे कोर्सेज अपने चैनल के ऊपर लेकर आती रहती हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप उन कोर्सेज को भी अपने लिए लाजमी अवेल कीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।